नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ग्लैंड फार्मा इस कंपनी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे, तो जिसकी मदद से आप डिसाइड कर पाओगे कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की सारी डिटेल जानकारी लेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पिछले कुछ सालों का यहाँ पे जो है रेवेन्यू कैसा रहा है कंपनी का, इस आईपीओ की सारी डिटेल देखेंगे, डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्राइस बैंड निकल के आ रहा है, और इंपॉर्टेंट बात करें तो क्या हमें इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप यहाँ पे डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या ये आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आईपीओ में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। दोस्तों अगर लोग कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी हैदराबाद में, तो हैदराबाद से बिलोंग करती है। और हम लोग यहाँ पे देखें तो 1978 में कंपनी जो है यहाँ पे निर्माण हुई थी, तो अच्छी खासी पुरानी कंपनी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का इंडिया के साथ ही ग्लोबल फुटप्रिंट भी जो है 60+ कंट्रीज में ये जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल करती है। इसमें से यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरह की जो है बड़ी जो है इंडस्ट्रीज या फिर कंट्रीज आती है। और हम लोग कंपनी की बात करें कंपनी क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, निर्माण करती है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स का। तो यहाँ पे ये है इनका बिजनेस प्रोडक्ट। दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक जो है टैब मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे मदद से हम लोग पता चलेगा कि ये कंपनी का पैरेंटेज कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी जिस पैरेंटेज से बिलोंग करती है वो है पैरेंटेज का फोसन फार्मा। दोस्तों अगर आप जब फोसन फार्मा पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की कुछ वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पे अगर हम लोग इसके मैनेजमेंट में जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनी फोसन फार्मा ये बिलोंग करती है वो एक चाइनीज फार्मास्यूटिकल प्लेयर है, लिस्टेड प्लेयर है। तो ये जो कंपनी है ग्लैंड फार्मा, तो ये कंपनी जो है सिस्टर कंपनी है फोसन फार्मा की। तो पैरेंटेज इसका फोसन फार्मा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनी जो है फोसन फार्मा को ऑपरेट कर रही है। अगर हम लोग आज की डेट की बात करें तो 74% की हिस्सेदारी फोसन फार्मा की है ग्लैंड फार्मा में, मतलब पैरेंटेज चाइनीज कंपनी है ये। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक दो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे रेज हो जाते हैं कि फ्यूचर में अगर सपोज चाइना इंडिया का जो है कुछ ट्रेड वॉर से रिलेटेड और कुछ इश्यू आ जाएंगे या फिर कुछ इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी तो इस कंपनी के भी ऊपर उसका असर हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो है थ्रेट इस पर्टिकुलर आईपीओ में निकल के आ रहा है। तो बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग 2018, 2019 और 2020 तीन साल का डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू रहा है 2018 में 16,716 करोड़, और हम लोग इसको ये नंबर्स को देखें तो ये कंसिस्टेंटली पिछले 30 साल से इंक्रीज हो रहा है, तो देखा जाए तो अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 2018 में था 3,200 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हुआ 2019 में 4,500 करोड़ और अभी है 7,700 करोड़। दोस्तों कंसिस्टेंटली ये जो है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है आफ्टर टैक्स का, तो देखा जाए तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात निकल के आ रही है। दोस्तों बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की कुछ आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आईपीओ खुल रहा है नवंबर 9, 2020 और बंद होगा 11 नवंबर 2020, यानी कि 3 दिन आईपीओ आज के दिन से जो ओपन रहेगा। इस आईपीओ के जरिए जो है कंपनी यहाँ पे 6,470-80 करोड़ के आसपास जो है जुटाने का कामकाज करेगी। अगर हम लोग कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो एक पे ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू जनरली 10 रहती है और इस आईपीओ की जो है फेस वैल्यू ₹1 जो है निकल के आ रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से स्प्लिट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जो है ना के बराबर है। कंपनी का हम लोग आईपीओ की प्राइस देखें तो आईपीओ का प्राइस बैंड लगा गया है ₹1,490 से लेकर ₹1,500 के बीच में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 10 जो है शेयर्स का स्टॉक का लॉट रहेगा, तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है। अगर हम लोग ₹1,500 का अगर प्राइस बैंड देखें तो उस हिसाब से मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट आएगा ₹1,500 का। अगर किसी को मैक्सिमम अमाउंट करना होगा तो मैक्सिमम 13 लॉट ले सकता है और उस हिसाब से 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है इस आईपीओ के जरिए। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट पे ध्यान दें तो 9 से 11 जो है ये आईपीओ 3 दिन ओपन रहेगा। 17 तारीख को यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा कि किसको आईपीओ मिला है नहीं मिला है, प्रोबेबली आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको आईपीओ नहीं मिला है तो नेक्स्ट डे यानी कि 18 नवंबर को जो है पैसे रिफंड हो जाएंगे या फिर रिलीज हो जाएंगे। अगर आईपीओ मिला है तो 19 नवंबर को यहाँ पे जो है आईपीओ आपके जो है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे।
और फाइनली यहाँ पे जो है 20 नवंबर को जो है ये लिस्टिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे NSE/BSE पे हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है टेंटेटिव रहते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे एक डेट होती है जनरली। तो बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, क्या वैल्यूएशन पे ग्लैंड फार्मा यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर हम लोग करंट प्राइस बैंड को ध्यान में रखें, नजर में रखें, तो ग्लैंड फार्मा का जो है प्राइस बैंड निकल के आ रहा है 31.7 पे। अगर हम लोग इस प्राइस बैंड को जो है इसके इंडस्ट्री यानी कि फार्मा के इंडस्ट्री के जो है पी से कंपेयर करते हैं तो उसका पी निकल के आता है 32.3। तो यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का जो है पी निकल के आ रहा है 31.7 और यहाँ पे अगर हम लोग उसको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो उसका पी निकल के आ रहा है 32.3। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि कंपनी यहाँ पे जो है कोई सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही है, कंपनी एक डिसेंट से वैल्यूएशन पे मिल रही है। जो इसका करंट पी निकल के आ रहा है इंडस्ट्री का तो उसके आसपास ही जो है कंपनी हमें जो है यहाँ पे मिल रही है। तो बात करते हैं फाइनली इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि क्या हमें ग्लैंड फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के देखें तो पुरानी लिस्टिंग है कंपनी की, 1978 से एस्टेब्लिश है। और अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ साल से बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल बेस पे स्ट्रांग कंपनी लग रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कैच पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये जो इसका प्रमोटर है वो चाइनीज कंपनी निकल के आ रही है। और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो अगर फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे चाइना से रिलेटेड कुछ जो है इंडिया कुछ एक्शन लेता है या फिर जो ट्रेड यहाँ पे होता है उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा देता है तो इसका सीधा सीधा असर इस कंपनी पे भी होगा और इसकी जो है दूसरी भी कंपनियां इंडिया में जो है चाइनीज कंपनी काम करती है उन पे भी होगा। तो ये सबसे जो है थ्रेट वाली यहाँ पे बात निकल के आती है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। दोस्तों इसके पीछे का रीजन मेजर है क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है हमें सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही है, कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे जो है डिसेंट से वैल्यूएशन पे निकल के आ रही है। तो ये जो बात होती है, पहली बात छोटा मोटा गेन पॉसिबली हो सकता है लेकिन इसके लिए जो है इतना रिस्क नहीं ले सकते, ये मेरी पर्सनल राय है। दोस्तों अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे जो है रिस्क थोड़ी लेना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो ही आप यहाँ पे निवेश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर में हो गया या फिर स्पेशलिटी केमिकल की भी कंपनियां निकल के आती है, केमिकल की कंपनियां हैं तो वो बहुत अच्छी कंपनियां हैं इंडिया की, तो उसमें आप सोच सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लंबे टाइम के लिए मैं उनको ही सलाह दूंगा जो रिस्क लेना ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे बस लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पे जो खेलना चाहते हैं तो उनके लिए जो है अवॉइड करने की सलाह दूंगा। दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए, इस आईपीओ में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।